हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ओवेस्टी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब जो है उसमें आप कई सारे एक्सपेरिमेंट लिस्ट हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर वन से। एक्सपेरिमेंट नंबर वन क्या है कि आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज देता है। अब बेसिक नॉलेज क्या है कि पहले जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में आपको चलना होता है कि आपको पहले क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट का नाम पता होना चाहिए, कि आप फिर दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें हैं, यानी कि क्या क्या एपरेटस आप यूज करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करेंगे कि उस प्रैक्टिकल की थ्योरी क्या होगी, कि किस बेसिस पे आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन या फिर रीडिंग्स लेते हैं, रीडिंग्स को कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेशन के बाद आप क्या करते हैं, एक रिजल्ट देते हैं, ठीक है। रिजल्ट के बाद आप जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि जो भी आप एपरेटस यूज कर रहे हो उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आप कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं। तो इन स्टेप्स पे आपका एक एक्सपेरिमेंट चलता है। तो हम उसी सीरीज में सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट नंबर वन मैंने नाम दिया है, आप इसको जिस हिसाब से आपके यहाँ कराया जाए आप उस हिसाब से इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक्सपेरिमेंट नंबर वन नाम दिया है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर वन, तो पहला जो इसकी जो हेडिंग आएगी दैट इज ऑब्जेक्टिव। जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर रेटिंग्स। यानी कि आपको एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करनी है कि ये होते क्या है, कैसे होते हैं, इनकी रेटिंग क्या होती है, कैसे इनको पहचानते हैं कि हाँ ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल करने के लिए दूसरा काम क्या है, जो हमने दूसरी हेडिंग बताई थी, दैट इज एपरेटस रिक्वायर्ड। एपरेटस रिक्वायर्ड में इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको एपरेटस जो रिक्वायर्ड होंगे दैट इज मल्टीमीटर होगा। एक मल्टीमीटर यानी कि अगर आपने कहीं पढ़ा होगा वोल्टमीटर और एमीटर। वोल्टमीटर और वोल्टमीटर किस लिए यूज होता है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। एमीटर किस लिए यूज होता है, करंट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो वोल्टमीटर को कहां पे आप कनेक्ट करते हैं, किसी भी सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और एमीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, किसी भी सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जहां पर भी आपको करंट मेजर करनी है उसके सीरीज में आपको कनेक्ट करना है। और मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर ये कॉम्बिनेशन है वोल्टमीटर और एमीटर का, ठीक है। दूसरा ब्रेडबोर्ड, अभी हम देखेंगे ब्रेडबोर्ड क्या होता है। ब्रेडबोर्ड एक प्लेटफॉर्म है सिंपल सा, कि जिसमें आप कंपोनेंट्स को अपने लगा के आप उनकी रीडिंग या उनका एक सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट क्या होंगे, पैसिव कंपोनेंट क्या होंगे, ठीक है। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल के नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, थ्योरी। तो हम एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, थ्योरी। थ्योरी में क्या है कि आपने पढ़ा, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में पता करना था कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इनकी रेटिंग्स कैसे होती है, इनको पहचानते कैसे हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स, व्हाट आर एक्टिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स डिलीवर्स पावर और एनर्जी टू द सर्किट। यानी कि किसी भी सर्किट को जो वोल्टेज और करंट प्रोवाइड कराते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट। तो इनका एग्जांपल क्या है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, या आप ब्रॉड वे में कह सकते हैं बैटरी, आपने सबने देखी होगी, कोई भी वोल्टेज सोर्स होगा एक्टिव कंपोनेंट होगा। डायोड्स भी आ जाते हैं इसमें और ट्रांजिस्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सिमिलरली आप अगर कंपेयर करें पैसिव कंपोनेंट से, तो पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स यूटिलाइजेस पावर और एनर्जी। यानी कि ये क्या करते हैं कि किसी भी सर्किट को पावर और एनर्जी की सप्लाई देते हैं, और पैसिव कंपोनेंट क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उस पावर और एनर्जी को, ठीक है। तो इनका जो एग्जांपल है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, या कह सकते हैं बैटरी या कोई भी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, रजिस्टर आ जाएगा आपका, कैपेसिटर आ जाएगा, इंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक्टिव कंपोनेंट क्या होती है कि वो डिवाइसेस होती है कि विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। जैसा कि हमने कहा, क्या कहा कि ये सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड कराता है, तो सप्लाई किस फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा, वोल्टेज एंड करंट। नेक्स्ट में हम क्या है कि हमने पता कर लिया कि पैसिव कंपोनेंट्स क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स यूटिलाइजेस पावर और एनर्जी। उसी में हम क्या है कि डिवाइसेस व्हिच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो अब हमने तीन टाइप के पैसिव कंपोनेंट देखे यहां पर, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर।
ठीक है। तो रजिस्टर क्या करता है, इट डिसिपेट्स द एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी, इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें इनमें और कंपेयर कर लें तो क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट्स कैन कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि ये करंट को सप्लाई दे रहे हैं तो अपने आप कंट्रोल कर लेंगे कितनी करंट देनी है, ठीक है। और पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब ब्रॉड वे में इनको क्या कह सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट इज एनर्जी डोनर एंड पैसिव कंपोनेंट इज एनर्जी एक्सेप्टर, ठीक है। यहां तक हमने सारी स्टडी कर ली, अब हम इनको अपने एक्सपेरिमेंट टेबल पे चलेंगे। एक्सपेरिमेंट टेबल पे हम सारे कंपोनेंट के बारे को देखेंगे, उनकी रेटिंग्स को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट टेबल पे। ओके, तो हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल टेबल पे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल टेबल जो भी है उस पर आपने देखा होगा कि मैंने सब कुछ नीट एंड क्लीन करके रखा हुआ है, ठीक है। और सबसे सामने आप देख रहे हैं ये है मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर को आप ऑन करेंगे, इसमें आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए ओम बना हुआ है, तो आप इस नोब को जहाँ पर भी मेज़र करना है आप वहाँ पर मेज़र पहुँचा देंगे, ठीक है। इधर आपका डीसी करंट मेज़र करने के लिए ए बना हुआ है, यानी कि एम्पियर के लिए, ठीक है। उसके नीचे आपका एसी करंट मेज़र करने के लिए बना हुआ है, और इधर वोल्टेज मेज़र करने के लिए बना हुआ है। आगे हम बताते रहेंगे कि कैसे कैसे आपको इसको मेज़र करना है, ठीक है। दूसरा जो हमने इक्विपमेंट अपने में एपरेटस में लिखा था वो था ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड क्या होता है, ब्रेडबोर्ड ये है, ठीक है। ऐसा ब्रेडबोर्ड होता है, इसमें कई सारे होल्स होते हैं जिसमें आप किसी भी जो भी आपके इक्विपमेंट हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप लगा के आप चेक कर सकते हो, रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लगाओगे, जैसे मैं एक ये LED लगा के दिखा दे रहा हूँ, आप ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो रीडिंग है या सर्किट बना लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स से, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट मैंने क्या बताया था, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट में हमने बताया था क्या, एक बैटरी या कोई भी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स एक्टिव कंपोनेंट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक बैटरी ली है, ठीक है, ये बैटरी रखी हुई है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम अब इसकी नोब को कहाँ ले जाएंगे, वोल्टेज पे ले जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ कहीं पे, क्योंकि ये छोटी बैटरी है तो हमने छोटे रेंज में रख लिया है, ठीक है। अब इसका ये कॉमन टर्मिनल है, या इसको कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और जो रेड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इनको हम क्या करेंगे, कहीं पर भी लगाया हमने, देखा ऐसे लगा के देखा, ठीक है। बैटरी की वैल्यू क्या आई, 8.41 आ रहा है, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी थी, ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये आपको उतनी वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। आपने इसको चेक कर लिया। अगर आप इसके टर्मिनल्स को रिवर्स करके दिखाएंगे तो ये क्या बताएगा, नेगेटिव साइन। आपने पढ़ा होगा KVL KCL में कि नेगेटिव साइन कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि आपने डायरेक्शन उल्टी दे रखी है, तो ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसलिए आपके सही वैल्यू आ रही है। तो ये कितने वोल्ट की बैटरी होगी, 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट की। तो पैसिव कंपोनेंट में हमने सबसे पहले बात किसकी करी थी, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस या रजिस्टर की बात करी थी। तो रजिस्टर कैसा होता है, ये होता है रजिस्टर, ठीक है। अब इस रजिस्टर को आप चेक कैसे करेंगे, मल्टीमीटर से, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे रखिए, ठीक है, और इसमें नोब सेट करिए रजिस्टेंस की, ठीक है। और आपने देखा ये दोनों टर्मिनल, मैंने एक टर्मिनल यहाँ लगाया, एक टर्मिनल यहाँ लगाया, तो इसमें वैल्यू आ रही है कितनी, 10 के अराउंड, ठीक है। तो ये कितने का हो गया, 10 के का रजिस्टर हो गया, ओके। नेक्स्ट दूसरा रजिस्टर हम चेक कर लेते हैं कोई, ये रजिस्टर हमने चेक किया, इसको हमने रखा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रखा, और इसको रखने के बाद हमने इसके दोनों टर्मिनल पे मल्टीमीटर लगाया, और इसमें वैल्यू आई कितनी, 33.3 आ रही है, तो ये 33K का रजिस्टर है। तो हमने रजिस्टर चेक कर लिया। अब हम बात करते हैं कि दूसरा पैसिव कंपोनेंट, बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर का जो शेप होता है, आप देखिए कैपेसिटर इस तरीके से दिखता है। तो ये कैपेसिटर की रेटिंग होती है, आप देख लीजिए, इसमें आपको कैपेसिटर की रेटिंग दिखाई दे रही होगी। इसमें लिखा हुआ है कि 50 वोल्ट का है, और ये
1000 μF का है, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे कि ये कैपेसिटर सही है हमारा, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है? आपको देखो नीचे मल्टीमीटर में आपको 1 लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब अगर ये कैपेसिटर सही है तो इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेगा, उसके बाद ये फिर से रिटर्न 1 आएगा, ठीक है, अगर ये कैपेसिटर सही है तो, ठीक है। तो इसके हमने एक टर्मिनल पर पॉजिटिव लगा दिया, दूसरे टर्मिनल पर नेगेटिव लगा दिया। अब देखिए यह रेटिंग बढ़ रही है और 1 आ गया, इसका मतलब ये कैपेसिटर जो है वर्किंग कंडीशन में है और सही है। आइए हम दूसरा कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। एक कैपेसिटर हमने ये रख दिया, दूसरे कैपेसिटर चेक करने के लिए देखिए ये इसकी रेटिंग है, आपने देख ली होगी। और अब हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे क्योंकि ये चार्ज स्टोर करा हुआ होगा। तो इसको मैंने दोनों टर्मिनल्स एक अपने मल्टीमीटर के नोब से दोनों इसके टर्मिनल को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक नोब को पॉजिटिव से और दूसरे नोब को निगेटिव से जोड़ेंगे और वहाँ पर देखेंगे नीचे से कुछ वैल्यू आई, ठीक है। वो वैल्यू दोबारा से देखो 1 आ गई, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है आपका ये वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि ये सही कैपेसिटर है, ठीक है। अब एक कैपेसिटर हम तीसरा देखेंगे, तीसरा कैपेसिटर देखेंगे, ये देखिए इसकी देखिए रेटिंग मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये रेटिंग है, ठीक है, ठीक। अब इसमें फिर से वही काम, क्योंकि चार्ज स्टोर होगा, इसको डिस्चार्ज कर लिया हमने, इसको डिस्चार्ज कर लिया और डिस्चार्ज करने के बाद एक टर्मिनल से एक नोब और दूसरे टर्मिनल से दूसरी नोब, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि मल्टीमीटर में कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर खराब है, ओके, ऐसे पहचानेंगे ये कैपेसिटर खराब है, ठीक है। अब हम फिर से एक्टिव कंपोनेंट की बात करते हैं। मैंने बताया था ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, तो ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। हम मल्टीमीटर को यहां पर सेट करेंगे HFE पे, ठीक है। मल्टीमीटर में देखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस जगह पे यहाँ पे NPN और PNP लिखा गया है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कितने टाइप के आते हैं, NPN और PNP, ठीक है। तो अब हम ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर को हम कैसे चेक करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू, हम इसको NPN में लगाएंगे, ठीक है। पहले NPN वाले टर्मिनल में लगा के हम चेक कर लेते हैं इसकी क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही और 1 आ रहा है रिटर्न, तो हम इसको क्या करेंगे फिर PNP में लगाएंगे, PNP के पोर्ट में लगाएंगे। जब हमने PNP के पोर्ट में लगाया इसको, तो देखो कुछ वैल्यू थी और वैल्यू देने के बाद ये क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर सही है, वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। तो ये आपने ट्रांजिस्टर भी देख लिया। तो एक और कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट की हम बात करते हैं। मैंने बताया था आपको क्लास में कि जो डायोड होता है वो भी एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो डायोड क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एलईडी से सब लोग फैमिलियर होंगे, तो एलईडी भी एक डायोड होता है। वो होता क्या है ये देखिए आप, ठीक है। ये एलईडी है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसको मल्टीमीटर को हमने सेट कर लिया है HFE पे, और इस एलईडी को हम चेक करेंगे कि ये एलईडी वर्किंग है या नहीं है। तो इसके दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल मैंने डाला, तो इसको चेक करेंगे कि ये एलईडी वर्किंग है या नहीं है, ओके। तो देखो एलईडी ने ग्लो करना शुरू कर दिया है, ठीक है, ये ग्लो कर रही है और यहाँ पे 1 की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये एक्टिव कंपोनेंट एक्टिव है, ठीक है, ओके। तो अब हमने ये सारे कंपोनेंट्स को चेक कर लिया। किसको चेक किया कि सबसे पहले एक्टिव कंपोनेंट की हम बात करते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट में आपने क्या चेक किया, डायोड, ठीक है, एक बैटरी। तो ये हमने दो सोर्स, दो जो एक्टिव कंपोनेंट है इनको चेक कर लिया। पैसिव कंपोनेंट में हमने किसको चेक किया, हमने पैसिव कंपोनेंट में चेक किया, ठीक है। तो ये हमने दो एक्टिव कंपोनेंट है और तीसरा एक्टिव कंपोनेंट क्या था, ट्रांजिस्टर। तो इन तीन को हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब हम पैसिव कंपोनेंट की बात करेंगे, तो हमने किसको चेक किया, रजिस्टर को चेक किया, ठीक है। हमने कई सारे रजिस्टर चेक किए थे, उनको हम देख लेते हैं, ठीक, रजिस्टर चेक किए। और उसके बाद आपने क्या किया, कैपेसिटर्स चेक किए थे कि वेदर कैपेसिटर इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो हमने ये कैपेसिटर्स चेक कर लिए सारे, और ये वाला जो कैपेसिटर था जो तीसरी बार हमने चेक किया था, ये खराब कैपेसिटर आपने डिटेक्ट किया था, ठीक है। और आपने क्या देखा कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है। तो ये हमारा इस प्रैक्टिकल का पूरा सम था, ठीक है, जिससे कि आपने इसको चेक किया। हाँ, ठीक, तो ये ट्रांजिस्टर्स आपने देख लिए सारे, ओके। तो ये हमारा जो इस प्रैक्टिकल का था कि कंपोनेंट को, सारे कंपोनेंट को आपको वेरीफाई करना था और उनको टेस्ट करना था कि ये वर्किंग है, इनकी रेटिंग क्या है, इस पे हमने देखा। और अब आगे चलते हैं फिर से अपने क्लास में, जिससे कि आपको बता सकें कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है टेस्ट को कंप्लीट करने का।
तो हमने एक्सपेरिमेंट टेबल पे अपने सारे कंपोनेंट्स के बारे में देखा कि कौन सा कंपोनेंट कैसा दिखता है, ठीक है, और उसकी रेटिंग्स हमने चेक करी मल्टीमीटर के थ्रू, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप उसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल था, आपको सिर्फ कंपोनेंट के बारे में स्टडी करनी थी। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, ऑब्जर्वेशन, कि आपने जो भी परफॉर्म किया उसका ऑब्जर्वेशन क्या निकाला। तो ऑब्जर्वेशन जैसे आप लिखोगे, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगा प्रैक्टिकल में वो आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या दिया है कि सम एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स आर स्टडीड वेरीफाइड एंड मेजर बेस्ड ऑन देयर रेटिंग। एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि हाँ, आपने एक्टिव कंपोनेंट देखे, पैसिव कंपोनेंट देखे, उनके बारे में स्टडी करी, उन्हें वेरीफाई किया कि हाँ, ये जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, उनको आपने वेरीफाई किया कि हाँ, वो वैसे ही काम कर रहे थे। उसके बाद आपने उनकी रेटिंग को मेजर किया और आपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट किया। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वो होता है प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस में यहाँ पे क्या है कि आप एक प्रिकॉशन है कि हैंडल द कंपोनेंट्स वेरी केयरफुली, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपके कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, वो सिक्योर रहे, तो उन कंपोनेंट्स को आप केयरफुली हैंडल करेंगे। दूसरा क्या, कीप योर वर्क एरिया ड्राई, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीमीटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इन सब का यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, तो आप अपने वर्क एरिया को थोड़ा सा ड्राई रखें और ऑलवेज वेयर सेफ्टी गॉगल्स। तो इसके अलावा और भी प्रिकॉशंस हैं, तो ये आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको आने वाले प्रैक्टिकल्स के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। हम इस सीरीज में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे विद एपरेटस।